तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग टैली में जो भी प्रोसेस है बिल बनाने का, बिल बनाने से पहले जो प्रोसेस होता है, जैसे ट्रेडिंग के बिजनेस में पहले इंक्वायरी आती है, प्रोफोमा इनवॉइस बनता है, परचेज ऑर्डर जाता है सामने वाली पार्टी को, फिर हम मटेरियल लेते हैं, डिलीवरी चलान पे मटेरियल देते हैं, फिर टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं, वो पूरे का पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड वे में समझेंगे उसको। तो समझ लीजिए, मेरी कंपनी है जो अभी टैली में चल रही है, रवि सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी में एक इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी मेल पे आती है, और ये इंक्वायरी मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। डियर सर, वी रिक्वायर 10 पीस ऑफ जॉइंट फ्री शावर ड्रेन, प्रोडक्ट कोड JSDA1। एक इनको 10 पीस की इंक्वायरी है, इनको जॉइंट फ्री शावर ड्रेन चाहिए, प्रोडक्ट का जो कोड है वो है JSDA1, प्लीज़ कोट एज सून एज पॉसिबल। ये हमको बोल रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी कोट करिए, 10 पीस की रिक्वायरमेंट है, और कंपनी का नाम यहाँ लिखा है फ्रॉम क्रिस्टल एंटरप्राइज। अभी ये हमें 10 पीस के लिए रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, ये हमें इंक्वायरी आई है। अभी हमारे पास ये 10 पीस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो मेल है वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे, या हम अपने तरीके से सामने वाले से मांगेंगे जो हमारा सप्लायर है, तो हम ये सेम मेल उनको भेजेंगे। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि ये पूरे का पूरा मेल, डियर सर वी रिक्वायर 10 पीस ऑफ जॉइंट फ्री शावर ड्रेन, प्रोडक्ट का कोड ये है, और ये मैं सामने वाले को मेल करता हूँ। मैं आपके यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये देखिए रवि सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे मैं सामने वाले को मेल कर रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे भी ये इंक्वायरी आई है। अभी सामने वाला मुझे रिप्लाई करता है, डियर सर JSDA फ्री शावर ड्रेन, ये 3250 रुपीज़ पर पीस GST एक्स्ट्रा। तो मैं जब सामने इंक्वायरी भेजता हूँ, किसको इंक्वायरी भेजता हूँ, एक रॉयल ट्रेडर नाम की कंपनी है, उनको मैं इंक्वायरी भेजता हूँ, तो रॉयल ट्रेडर वाला मुझे 3250 पर पीस का बोलता है। तो मुझे एक इंक्वायरी आई थी, मेरे पास वो 10 पीस थे नहीं, तो मैंने क्या किया, वो इंक्वायरी मैंने दूसरे को भेजी, जहाँ से मैं माल खरीदूँगा और मैं मेरे कस्टमर को दूंगा। मेरे जो सप्लायर है उन्होंने मुझे 3250 कहा है, तो मैं अभी सामने वाले को जो रेट दूंगा वो दूंगा 3500, मैं 250 रुपये इसमें कमाऊंगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिखूंगा, डियर सर JSW1 पीस फ्री शावर ड्रेन 3500 रुपीज़ पर पीस GST एक्स्ट्रा। अभी मैं क्या करूँगा, इसका प्रोफोमा इनवॉइस भी इनको बना के दूंगा, अगर वो एग्री हो जाएंगे कि 3500 रुपये, वो 3500 रुपये में वो माल मुझसे खरीदेंगे GST एक्स्ट्रा, तो मैं उनको प्रोफोमा इनवॉइस एक लीगल डॉक्यूमेंट बना के भेजूंगा उनको, ताकि वो मेरे बैंक में पैसा डाल सके। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोसेस समझते हैं, परचेज़ के लिए क्या होता है, पहले इंक्वायरी हम करेंगे सामने वाले को, सामने वाला मुझे कोटेशन देगा या प्रोफोर्मा इनवॉइस बना के देगा, दोनों सेम ही चीज़ होती है देखा जाए तो। कुछ लोग हेडिंग में कोटेशन लिखते हैं, कुछ लोग प्रोफोर्मा इनवॉइस लिखते हैं, ज़्यादा करके प्रोफोर्मा इनवॉइसेस ही चलते हैं। उसके बाद क्या होगा, मैं उसको जब उनका प्रोफोर्मा इनवॉइस आ जाएगा तो मेरे लिए कन्फर्म हो जाएगा कि मटेरियल उनके पास रेडी है, तो मैं उनको भेजूंगा परचेज़ ऑर्डर, मैं उनको परचेज़ ऑर्डर भेजूंगा, उसके बाद वो मुझे इनवॉइस देंगे। तो ये मेरा परचेज़ का प्रोसीजर ऐसे हो गया। अब ये हम लोग टैली में भी करेंगे। सेल के लिए क्या करेंगे, मेरे पास इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी विल कम, मैं उसको कोटेशन दूंगा, प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजूंगा, उसके बाद अगर वो एग्री करता है सामने वाला, तो मैं उसको मटेरियल की डिलीवरी करूंगा, डिलीवरी नोट पे डिलीवरी करूंगा, और डिलीवरी नोट के बाद मैं उसको इनवॉइस कर दूंगा, टैक्स इनवॉइस, मैं उसका टैक्स इनवॉइस जनरेट करूंगा। और क्या होगा, मैं जो उसको प्रोफोर्मा इनवॉइस दूंगा, उसके बाद वो मुझे पेमेंट देगा, वो डिपेंड करता है कि मैं मटेरियल दूंगा उसके बाद वो पेमेंट देगा, या वो क्रेडिट पे माल लेगा, या वो एडवांस पेमेंट करेगा, वो सब डिपेंड करता है हमारा कैसा रिलेशनशिप है हमारे कस्टमर के साथ। तो ये सेल और परचेज़ का एक प्रोसीजर होता है, वो मैंने आपको बताया। इसमें सेल्स ऑर्डर भी होता है, बट फिलहाल मैं इसमें सेल्स ऑर्डर को नहीं रख रहा हूँ। सेल्स ऑर्डर मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलता है कि भाई ये वाले गुड्स मेरे पास अवेलेबल है, तो आप बिंदास पैसा भर सकते हो, मैं आपको सेल्स ऑर्डर इशू कर रहा हूँ, तो सेल्स ऑर्डर का मतलब वो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो परचेज़ का रेट है वो 3250 का हमें कोटेशन आ गया था, और हमने जो सामने वाली पार्टी को बेचने का भाव बोला वो बोला 3500 रुपये, तो 250 रुपये हम लोग इसमें कमा रहे हैं। तो पार्टी जो है वो है क्रिस्टल एंटरप्राइज, और ये पार्टी का एड्रेस और GST नंबर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक अमाउंट आ गया है कि 3250 रुपये में हम खरीद रहे हैं, तो हमें सामने अभी कोटेशन
भेजना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के भेजेंगे सामने वाले को। तो इसी के साथ साथ क्या होगा, आपको प्रोफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाना है वो भी पता चल जाएगा और एक प्रोसेस भी पता चल जाएगा कि कंपनी में किस तरीके से काम होता है। तो अभी हम लोग टैली में बनाएंगे प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, लेजर में जाएंगे यहाँ से, ये देखिए यहाँ से क्रिएट में जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से, फिर जाएंगे लेजर में और यहाँ पर हम लोग क्रिस्टल एंटरप्राइज, ये हमारा जो है वो डेटर है। डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होता है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो कस्टमर होता है वो हमारा डेटर्स होता है। हम रेगुलर में रखते हैं, तो ये हो गया हमारा डेटर क्रिएट। अभी मैं इसको एस्केप कर रहा हूँ, एस्केप, और मैं आ गया अभी इस वक्त गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, पार्टी जो है हमारी उनको हम लोग 3,500 प्लस जीएसटी का एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के देंगे। तो टैली में प्रोफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ से करना है वी प्रेस। वी प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम लोग 1 जून 2023 कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोफॉर्मा इनवॉइस का नंबर डाल देते हैं, RCPL 007 2324, क्रिस्टल एंटरप्राइज नाम की पार्टी है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, यहाँ पे सेल्स वाला अकाउंट आएगा। यहाँ पे हमको प्रोडक्ट का कोड क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी करेंगे यहाँ से, JSDA-1 जॉइंट फ्री शावर ड्रेन, ये है प्रोडक्ट का कोड। हम लोग इसको प्राइमरी में ही रखते हैं। यहाँ पे लेंगे हम लोग पीसेस, नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पर HSN डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स हियर 848180, ये मैं प्रोडक्ट का HSN कोड रख रहा हूँ। GST रेट डिटेल्स में यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और यहाँ पर मैं करता हूँ 18%, ये है हमारा गुड्स। ये हो गया एक्सेप्ट। इसके बाद क्वांटिटी जो है वो 10 पीस है और हमें 3,500 रुपये में इनको बेचना है। यहाँ पे हम लोग करेंगे सेल, CGST 9%, यहाँ पे हम लोग करेंगे सेल, SGST 9%। 41,300 रुपीज़ का परफॉर्मा इनवॉइस बनेगा और इसको मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट। पेज अप वाली की प्रेस करते हैं और इसको हम लोग कर देंगे ऑप्शनल। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में एल जो है इसके नीचे दो लाइन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये रेगुलर से ऑप्शनल हो गया है। ऑप्शनल हो गया मतलब ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस बन गया है। आप एंट्री की शुरुआत में भी ये कर सकते हो, मैंने सिर्फ एंट्री करने के बाद इसको ऑप्शनल किया है। यहाँ पे देखिए पेज डाउन करके अगर मैं नया वाउचर ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही इसको कंट्रोल एल अगर कर दूँगा तो ये ऑप्शनल हो जाएगा। एक बार फिर से मैं पेज अप की प्रेस करता हूँ तो हम लोग ऊपर वाले इनवॉइस में आ गए हैं, तो ये हम लोग यहाँ से कर लेंगे ऑप्शनल। यहाँ पे ये ऑप्शनल हो गया। अभी मैं अगर कंट्रोल पी करूँ और आपको प्रीव्यू दिखाऊँ, कंट्रोल पी करने के बाद आई प्रेस करेंगे तो आपको इसका प्रीव्यू दिखेगा। ऑल्ट जेड जूम के लिए होता है। यहाँ पे देखिए प्रोफॉर्मा इनवॉइस लिख के आ गया है, तो ये बन गया हमारा प्रोफॉर्मा इनवॉइस। मैं फिर से एस्केप करता हूँ, फिर से एस्केप करता हूँ, फिर से एस्केप करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल पी करना है प्रिंट देने के लिए, ये कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट होता है, और उसके बाद आपको एक बार यहाँ से प्रीव्यू देख लेना है। तो इस तरीके का प्रीव्यू दिखता है। अभी ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजने के लिए हमको टैली से करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, तो अभी हम लोग इसको करेंगे एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें सामने वाली पार्टी को अगर प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजना है तो हमें एक्सपोर्ट करना भी आना चाहिए। तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल ई। जैसे हम कंट्रोल ई करेंगे तो देखिए ये एक्सपोर्ट लिख के आ गया यहाँ पर। उसके बाद हमें जाना है कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद हमें कर लेना है शो मोर।
शो मोर करने के बाद हमें जो भी यहाँ पे चीज़ें चाहिए वो हम रखेंगे और जो नहीं चाहिए वो नहीं रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 12 इसकी हाइट है और 7 इंचेस का इसका विथ है, 12 इंचेस की इसकी हाइट है। टॉप मार्जिन वगैरह ये सब आप सेट कर सकते हो कि ऊपर आपको कितनी जगह चाहिए नीचे कितनी जगह चाहिए। हम लोग यहाँ पे 0.50 करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग 0.50 कर देते हैं, 0.50 और यहाँ पे भी 0.50 करते हैं। ये आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। मुझे यहाँ पर C/ रवि नाम के फोल्डर में चाहिए तो मैं यहाँ पे फोल्डर का पाथ चेंज कर रहा हूँ। और ये जो फाइल का नेम है ये हमेशा आप चेंज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्रिस्टल एंटरप्राइज परफोमा इनवॉइस अभी। और अगर यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में है तो आप इसको चेंज करके PDF में कर दीजिए, ये फ़िलहाल PDF में ही है। उसके बाद आपको कर देना है Ctrl+A और उसके बाद आपको कर देना है एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक्सपोर्ट हो गया है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको सामने दिख रहा है आपके, यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस लिखा हुआ है। तो इसको बाद में ये वाली फ़ाइल को हम लोग उठा के मेल कर सकते हैं। अभी ये टैली में आपको परफॉर्मा इनवॉइस कहाँ दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हम लोग परफॉर्मा इनवॉइस देखते हैं कि कहाँ सेव हुआ है। आपको गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन से यहाँ पर आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद आपको जाना है एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में, और उसके बाद ऑप्शनल वाउचर्स में। ऑप्शनल वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पर हम लोग पीरियड देते हैं Alt+F2 31/3/2024। ये देखिए ये रहा आपका क्रिस्टल एंटरप्राइज जो अभी हमने बनाया था। एंटर करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शनल लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे रेगुलर कर दोगे तो ये सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट हमारे पास प्रोफॉर्मा इनवॉइस की भी डिटेल्स होनी चाहिए तो इसको सेल्स इनवॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं बताऊँगा। बट अभी हम लोग का एक पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, हमने प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाया और हमने सामने वाली पार्टी को भेजा। अभी सामने वाली पार्टी जो हमारा कस्टमर है क्रिस्टल एंटरप्राइज, वो हमें पेमेंट करेगा या परचेज ऑर्डर भेजेगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा कैसा रिलेशन है हमारे कस्टमर के साथ। तो हो सकता है कि वो हमें परचेज ऑर्डर भेजे या पहले ही डायरेक्ट पेमेंट कर दे। हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो हमें परचेज ऑर्डर भेजेगा और पेमेंट भी करेगा, और उसके बाद हम लोग डिलीवरी नोट पे उसको माल भेजेंगे और उसके बाद हम लोग टैक्स इनवॉइस भी बनाएंगे।